हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं। जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये पेनफुल होती है। आपको लगता है जब तक कि आपका प्योरिफिकेशन नहीं होता इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम से इस रीडिंग को ज़रूर देखते हैं, सोलमेट ज़रूर देखते हैं, जो सोलमेट हर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है। बिल्कुल आप इस चैनल तक आए हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही होती है और आपकी कलेक्टिव एनर्जीज यहाँ पर पिक होती है। ठीक है, एंजल्स और जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी एनर्जी को यहाँ तक लेके आते हैं और फिर आपकी एनर्जी निकलती है। कलेक्टिव होती है, जनरल होती है, तो सबसे रेजोनेट होती है गाइस, सबसे नहीं और किसी से होती है, किसी से नहीं होती है। तो जिससे नहीं होती है तो आप उदास मत हुआ कीजिए कि मेरे से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है, ये मेरे लिए नहीं है। तो जो भी गाइडेंस आपको मिलती है यहाँ से आप फॉलो कीजिए उसको, तो आपकी एनर्जी भी बिल्कुल शिफ्ट होगी इन अ पॉजिटिव मैनर, है ना? ओके, तो मैं ये कह रही थी कि देखो, सोना जो है ना, गहना बनने के लिए तपता है, उसको खूब तपाया जाता है आग में, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी, वहाँ से वो इम्प्योरिटीज उसकी निकल जाती है। बट उसको एक स्ट्रांग बनाने के लिए, अगर सोने से ही ऑर्नामेंट्स बनेंगे तो वो बिल्कुल टिकेंगे नहीं, टिकाऊ नहीं होते हैं, ठीक है ना? ड्यूरेबिलिटी उनकी कम होती है। ठीक है, अगर उसमें तांबा मिलाया जाता है और उसको फिर एक स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है ना, मजबूत होता है ना, तभी पहनने लायक होता है, मजबूत होता है। तो ऐसे ही आपकी जर्नी है, आपको ये जर्नी मिली है। अगर आपकी प्योरिफिकेशन हो रहा है तो देखो, लोहे को तपाया जाता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन किस लिए होता है? कि वो सज सके, वो सुंदर दिख सके, सब उसकी तारीफ कर सके, अप्रिशिएट कर सके उसको कि कितना सुंदर गहना बना है, कितना प्यार, कितनी प्योरिटी है, कितना चमक है इसमें। तो वो जो चमक आपके अंदर लानी है वो आपकी जो प्योरिफिकेशन चलता है उसके बाद आता है। तो ड्यूरिंग योर प्योरिफिकेशन तो आपको तकलीफ होती है गाइस, ठीक है ना? और ये तकलीफ ज़्यादा इनकी नहीं होती है, डिपेंड करता है आप पर कि आप इस चीज़ को, आप इस जर्नी को कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, लोहे को भी पीटा जाता है, खूब पीटा जाता है, जब उसको गर्म किया जाता है तभी पीटा जाता है। तो यूनिवर्स भी आपको पीट पीट के, पीट पीट के आपको सही करना चाहते हैं, उसको उसी शेप में लाना चाहते हैं आपको, जो आप हो, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है आपको उसमें लाया जाता है। ठीक है, तो फिर उससे क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं, कुछ भी, कोई भी शेप आप दे सकते हो उस लोहे से। पीटा जाता है, वो पिटता रहता है, पिटता रहता है, उसे नहीं पता कि मैं किस शेप में आने वाला हूँ, बट वो ये सोच के पिटता रहता है कुछ ना कुछ तो मेरे से बनने वाला है आज, अच्छा कोई बात नहीं, और वो किसी के काम आएगा। तो यही ये जर्नी है, समझ चुके हो आप गहराई से? मैं अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो बहुत, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाएगी? पेनलेस हो जाएगी, है ना? और आप इस जर्नी को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, आपको इस जर्नी का सार पता चल जाएगा, है ना? कि आपको चमक लाने के लिए, आपको असली स्वरूप में लाने के लिए ये सब कुछ होता है गाइज, आपके अंदर की इम्प्योरिटीज है। मेरे को जो एक ड्रीम चैनल हुआ उसमें मैं आपके, जो मेरे द्वारा जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उससे आपके कर्मा बैगेज कहीं ना कहीं रिलीज हो रहे हैं। आप देखिएगा, आप जो भी गाइडेंस यहाँ से मिलती है, आप करते हो वो काम और आपके कहीं ना कहीं आप हेल्पफुल आपके लिए है, और आपके कहीं ना कहीं कर्मा बैगेज रिलीज हो रहे हैं। आपको ड्रीम में भी दिखता होगा कि मेरा ये खो गया है, मेरा ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है, लोग मेरे से बिछड़ रहे हैं, इस तरह का कहीं अगर आपको ड्रीम दिख रहा है तो बिल्कुल आपके कर्मा बैगेज रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अभी मेरे को बहुत ड्रीम में ये चैनल हुआ है आप लोगों के लिए ही, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे को पिक होती है, कि आप लोग अभी कच्चे हो और अभी आप जो इतना ज़्यादा अभी अपनी जर्नी में ही हो और अभी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बैलेंस थे, कहीं ना कहीं आप टूट रहे हो, बैलेंस होके भी टूट रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा इस जर्नी में, क्या हो रहा है, और टूट के गिर गए हो, मतलब इतना टूट चुके हो कि बिल्कुल आप सोच रहे हो छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, सब कुछ ये सब बकवास है। ऐसा नहीं है गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के सामने झुक झुक कर इतने टूट चुके हो, बिल्कुल मतलब कि इतने झुक गए हो कि आप बिल्कुल टूट गए हो, बिखर गए हो, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो गाइज, अपने को बैलेंस करो। और जो ओल्ड बैगेज है, जो ओल्ड आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, और जो आपके लिए सर्व ही नहीं कर रहा, तो उसको झाड़ू लगा के साफ कर दो, ठीक है, अपने अंदर से। तो ये प्योरिफिकेशन आपका बहुत अच्छे से होगा, आप प्योरिफाइड हो जाओगे एक तरह से, हो चुके हो। कुछ लोग की एनर्जी है, आप जो मैं आपकी आप
के अंदर से वो सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे को ये चैनल हुआ है, ईश्वर ने मुझे, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, स्ट्रांग मैसेज है आप लोगों के लिए। जो ये सफाई चल रही है इसको होने दीजिए, धीरे धीरे झाड़ू लग के, धीरे धीरे एक बार में झाड़ू लग के आप पूरा घर साफ नहीं कर सकते, धीरे धीरे कोने से साफ करते हो तभी धीरे धीरे पूरा घर साफ होता है। कोने कोने से निकाल निकाल के गंदगी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको बाहर फेंक दिया जाता है, या कूड़े को जल में आग लगा दी जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ओके, ये था मेरा चैनल मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो गाइज आप इस चीज को समझिए और अपनी जर्नी को कैसा बना दीजिए, इजी वे में। ओके, तो इजी बनाइए अपनी जर्नी को और इस चीज़ को समझिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये डायरेक्ट, ये जो चैनल मैसेज मेरे को हुआ है, मैसेज जो चैनल हुआ है, ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लव। तो ये आप इस लव के लिए यहाँ पर आए हैं गाइज, इस लव को पाने के लिए आए हैं। आप एक लव हैं, आप एक प्यार हैं, और आप एक कितना गहरा प्यार हैं, आप एक प्यार की ही एनर्जी से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने को मत भूलो कि आप प्यार हो। तो अभी तो मैं बताने में इतना टाइम हो गया, तो एक छोटी सी रीडिंग कर लेते हैं। ये चैनल मैसेज आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ओके, ये गाइडेंस आप तक पहुंचनी थी इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, आर्कएंजल माइकल प्लीज़, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी गाइज, डोंट वरी, पूरी रीडिंग देखिएगा तभी आपको आपके बातों का जो है क्वेश्चन के आंसर मिल सकेंगे। मैच्योरिटी आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल। एंड बाउंड्रीज, ये आ रहा था कार्ड, ठीक है। एंड डेटिंग, तो गाइज मैं फटाफट बताती हूँ, इसमें कोई आपको एक्सप्लेन करने की मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो चुके हो और काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग करती हूँ, आपको मेरी रीडिंग का तरीका भी पता है क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कनेक्शन एंड डिवाइन फेमिनाइन, आपके वर्दीनेस, आपके पार्टनर ना आपको, देखिए ये देखिए, अब देखो ये कार्ड ले लेती हूँ मैं, ये कार्ड ले लेती हूँ, बिल्कुल ये मैसेज दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मैसेज है इनका, एक के बाद मेरे को एंजल्स दे रहे हैं, लव एंड ये लव, ठीक है। एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस। देखिए जो आपके पार्टनर हैं, परेशानी देखो उनके सामने अभी चैलेंजेस होते हैं, अब वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये जर्नी क्या है, मेरा ये कनेक्शन क्या है, मैंने पास्ट में इसको ऐसे बोला वैसे बोला, उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, और मेरे साथ जब ये चीज़ें जो घट रही हैं, जो भी परेशानी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं। काफ़ी उनकी एनर्जी बहुत मैसी हो रही है, अपने को बहुत हैवी फील कर रहे हैं वो माइंड से, तो लेकिन फिर भी ना उसने वो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक ये जो सूरज है उनकी लाइफ में भी निकलेगा, क्योंकि वो जो परेशानियां हैं वो उनको एक लेसन के रूप में दी जा रही है, ठीक है। वो कंफ्यूज भी रहते हैं, वो अपनी परेशानियों को ठीक करते हैं आगे फिर अटक जाते हैं, ठीक करते हैं आगे फिर अटक जाते हैं। ईश्वर उनके साथ है गाइज, और वो हाथ बढ़ा के सूरज को देख रहे हैं कि मैं पहुंच रहा हूं तुम्हारी तरफ, मैं इस रोशनी तक पहुंच रहा हूं, ठीक है। वो आपके इनर वर्क के कारण होता है, आप जैसे इनर वर्क करते हो ऐसे ही आपके पार्टनर भी इवॉल्व होते हैं और आपकी तरफ आते हैं। मींस मैं ये बोलती हूं, उनकी एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होती है, आपकी तरफ सोचने लगते हैं, आपकी तरफ एक विश्वास उनको होता है इस कनेक्शन पे, है ना। इसलिए बोलती हूँ आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आगे दौड़ के, उसका मतलब ये है कि वो सोच रहे हैं आपकी तरफ वो एनर्जी आ रही है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, वो उनकी जो सोच है वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, फीलिंग्स उनकी एक पॉजिटिव वे में आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो डिस्टॉर्टेड कुछ के जो मैस्कुलिन है, डिस्टॉर्टेड नहीं कहूँगी इस एनर्जी को मैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो अब खत्म होंगे क्योंकि मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है। आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने जो रखी है, एक आपने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, तो आपके पार्टनर ने भी वो बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं अपनी चारों तरफ, कि कोई भी बकवास करने वाला इंसान इस बाउंड्री के अंदर क्रिएट एंटर नहीं हो सकेगा अब, है ना। हर चीज़ को मैं डोरमेट जो आप बन जाते थे, आपके पार्टनर ने भी वो बनना छोड़ दिया है कि कोई भी पैर आएगा रगड़ेगा और मेरी लाइफ में घुसेगा और मेरे को तंग करेगा, तो वो भी आपके पार्टनर समझ चुके हैं एक तरह से। सेल्फ रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट उनको आ गई अच्छे से कि भाई मैं हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकता या कर सकती, मैं हर इंसान के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं हर इंसान को खुश नहीं रख सकता या रख सकती, मेरी खुशी भी मायने रखती है और जो मेरे से खुश रहना चाहता है वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा या सेटिस्फाइड हो जाएगा मेरे व्यवहार से या मेरे बातों से। अगर जिसको नहीं होना है तो वो कभी भी नहीं होगा, तो वो चीज़ें वो समझ चुके हैं। डेटिंग आपके साथ, डेटिंग के नीचे लव, देखो कितने ब्यूटीफुल एनर्जी है, डेटिंग के नीचे ही लव है। ये दो कार्ड जो आए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए डेटिंग एंड लव, यानी कि आपसे इतना गहरा, आपके साथ इतना उनका जो अनकंडीशनल प्यार है, सोल का जो प्यार है, कनेक्शन है, जो सोल से आत्मा का जो कनेक्शन है वो कहीं भूल नहीं सकते, वो चाहते हुए भी नहीं भूल सकते। गाइज अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, अगर आपको पता नहीं है कि मैं कौन से कनेक्शन में हूँ, तो बिल्कुल आप अपनी गट फीलिंग को यूज़ कीजिए। क्या आप उस इंसान को भूल ही नहीं पाते हैं, उनकी कुछ भी बातें हो आप उनको भुला नहीं पाते हो, तो आप समझो कि आप एक प्योर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, है ना, तो वो कनेक्शन आप फील करोगे। ओके, तो ये जो प्यार है आपके पार्टनर का दिल से है, सोल से है, है ना, 3D लाइफ में उनका माइंड क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो भी ठीक होगा, बट कहीं ना कहीं आप 5D यानी फिफ्थ डायमेंशन यानी कि आत्मा से एक स्पिरिचुअल जो रियलम है उसमें आप फील करते हो कि ये मेरा पार्टनर है, ये मैं हूँ और ये मेरा पार्टनर है, हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक हैं, है ना, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी फैमिली आ जाए, कोई भी कनेक्शन हमारे बीच में हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता हमारे बीच में आके, ठीक है ना। आपको वर्दी समझते हैं, आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं, कनेक्शन इसमें आपके पार्टनर आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील होता है, आपके साथ एक पार्टी करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं यार, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में बिल्कुल भुला देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको इतना हील करते थे, उनकी आपकी बातें, आपके हंसी मजाक, आपका ह्यूमर जो नेचर है, आपका जो ह्यूमर है वो उनको बहुत हील करता है, आपकी जो कहते हैं ना कि बचकाना वाली चीज़ें जो मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है वो उनको बहुत हीलिंग देती हैं, ठीक है। आपका हंसी मजाक, आपका बोलने का तरीका, आपका कोई भी जो बात करने का तरीका है, एक मासूमियत, एक हंसी मजाक करने वाला हर रूप जो स्वरूप है आपका, वो आपके पार्टनर को बहुत हील करने वाला है। लेकिन आपको ये जर्नी ट्रिगर करने के लिए ये सब बीच में होता है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है, वो आपको ये जर्नी ट्रिगर होती है आपके पार्टनर के थ्रू, है ना, यूनिवर्स इंटरवेंशन करते हैं आप लोगों के बीच में। तो आप लोग सोचते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, नहीं भाई धोखा नहीं देते हैं, वो आपको ये जर्नी बताते हैं, अब तू इस पर काम कर, अब मैं तेरे को फ्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब तुम इस पे काम करो और फिर जब तुम इस जर्नी में आगे बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम आगे रहो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, और फिर दोनों हमें एक होकर सोल पर्पस करना है, प्यार करना है, दूसरों को प्यार देना है और स्प्रेड करना है प्यार लाइट, ठीक है, एक लाइट वर्कर बनकर, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहते हैं और कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में है ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है और आपके साथ साथ ही वो इवॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस रास्ते पे, इस पथ पे, बिल्कुल मैच्योरिटी लेवल उनका, उनके एंजल्स हैं, उनके एंसेस्टर्स उनके साथ हैं। गाइस मैं बता दूं आपको, उनका भी कर्मा बैगेज बहुत जल्दी जल्दी रिलीज हो रहा है और ओल्ड बैगेज, जो ओल्ड उनकी बैगेज था वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत प्यारी सी एनर्जी है, एनर्जी ओरेकल से देख लेती हूँ क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, बार बार यही कार्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, ओके ये क्यों आ रहा है मैं देखूंगी अभी आपके पार्टनर की तरफ से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू रोमांस, एक कार्ड और लूंगी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये देखो
एक कार्ड और लेती हूँ, एंजाइटी. ओके, तो ये जो एनवी का कार्ड आया है ये इसलिए आया है गाइज कि आपके पार्टनर ना अभी समझ नहीं रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि इसने ऐसे किया वैसे किया और मैं ही सब कुछ करता हूँ करती हूँ, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसको इतना प्यार करता था करती थी और मैंने इतना एफर्ट लगाया इस प्यार में और इसने मेरे को समझा नहीं और इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कहीं ना कहीं मेरे को ये एनर्जी आ रही है और इसी वजह से वो बहुत उदास है, इसी वजह से बहुत उदास है और ना कहीं आपसे एक ईर्ष्या की भावना उनके मन में है कि भाई मैं इतना सब कुछ करता रहता हूँ और फिर भी इसके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है, ये मेरे को समझती नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर के जो अभी रिसेंट पास में ही उनके सेपरेशन हुआ है उनके लिए एनर्जी है यहाँ पे, एंजाइटी में उनके पार्टनर का भी, लेकिन वो एंजाइटी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे क्योंकि ये रोमांस का दरवाजा खुला है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आप लोगों के साथ है, एंजल्स की स्ट्रेंथ आपके साथ है, विक्ट्री बिल्कुल. आपके पार्टनर आपसे बहुत डीप लव करते हैं, ट्रू लव है आपका ये और सच्चा प्यार है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है, डाउट वाली एनर्जी में नहीं आना है गाइस, कि आपको डाउट नहीं करना है ठीक है. एंजाइटी में देख लेती हूँ क्यों आया है आपके पार्टनर की तरफ से, बिल्कुल एंजाइटी इसलिए आए कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मैं किधर जाऊं, अभी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, ना दिल से समझ रहे हैं दिमाग से समझ रहे हैं, बिल्कुल चोक हो गया उनका दिमाग, चोक हो जाता है ना, चोक उनको ड्रेनर की आवश्यकता है, एक ड्रेनर मतलब कि उनकी वो जो नली है खुल जाए, ड्रेनेज वाला जो एनर्जी है मेरे को कहीं ना कहीं दिख रही है, तो उनके दिमाग की जो चोक हो गया है उसको ना हीलिंग की ज़रूरत है और वो हील होंगे, ऐसा नहीं है उनका ये जो स्टकनेस है वो निकलेगी क्योंकि रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनके डर सरफेस हो रहे हैं, वो आपको छोड़ के चले गए थे, अब मैं कैसे वापस आऊँ, आप तो एक एम्प्रेस की तरह बन गए हो, आप एक अबंडेंट हो अपनी लाइफ में और मैं ये जो उनके डर सरफेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रात को सो नहीं पा रहे, पास्ट की बातें उनको याद आ रही है, स्टक हैं इसलिए एंजाइटी में उन कुछ के पार्टनर यहाँ पर लग रहे हैं. बट आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप अपना इनर वर्क करते रहिए गाइस और इसी वजह से आपके पार्टनर इस जो ये जो एनर्जी है ना इससे निकलेंगे. क्या बोल रहे हैं देखो, ये म्यूचुअल में आपके लोगों के निकाल रही है, आप लोग मेहनत करेंगे ना इस कनेक्शन में तो बिल्कुल ये आपके पार्टनर इस स्टकनेस से बाहर आएंगे ठीक है. आप इनर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए अपने जर्नी में और सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव इज अ की टू सक्सेस. ओके, देखो मैंने सेल्फ लव बोला, सेल्फ लव का ही एनर्जी आ गई कार्ड, तो सेल्फ लव में आपको आना है गाइस, सेल्फ लव करना है, यही एक चाबी है आपकी यूनियन की, रीयूनियन की, क्योंकि इसी से आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी. अगर आप बिना डाउट किए अगर आप अपनी जर्नी में बढ़ेंगे तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी और आपके पार्टनर आपके बारे में एक पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि मेरे को बढ़ना है और फिर फियरलेस होकर वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आपको छोड़ के चले गए थे आपको वो नहीं जाएंगे ठीक है. और क्या है, दो गाड़ी आ रहे हैं, बिल्कुल आपको स्टॉक करते नजर आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्टॉक कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत उदास हैं और कहीं ना कहीं सन का कार्ड है, ये क्लैरिटी मिलेगी गाइस और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, इसको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी, जो रात को सो नहीं रहे थे, जो परेशान हो रहे थे वो सब परेशानियां उनकी ख़त्म होंगी क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत परेशानियों से होकर इस डेथ यानी कि रिबर्थ यानी कि असेंड होके यहाँ पे आ रहे हैं. ये हैप्पीनेस आपकी है गाइस, इसे कोई नहीं छीन सकता इस हैप्पीनेस को ठीक है. आगे आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा मैं देख लेती हूँ, आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा आपके लिए. वो क्या कहेंगे, माइकल प्लीज हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे प्लीज बताइए, क्या एक्शन लेंगे प्लीज बताइए. ओके, दो कार्ड आए हैं गाइस, आपको एक प्योर जजमेंट आपके लिए आ रहा है, एक तरह से मैं बोलूं हैंग्डमैन है यहाँ पर, हैंग्डमैन ऐसे आया है बट आपके लिए थोड़ा सा डिले है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको एक लाइफ अच्छी लाइफ दें, आपको एक अच्छी लाइफ दें, कुछ लोगों के पार्टनर का भी डिले है यहाँ पर,
सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं, अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं एक तरह से मैं देखूं तो. एंड द लवर्स, बिल्कुल ये कनेक्शन बहुत ट्रू है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है गाइज, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में है बिल्कुल, ये आपको आपकी तरफ आएंगे एंड बिल्कुल उनको क्लैरिटी मिलेगी. यस, ये इस रिश्ते में हाँ होगी, कमिटमेंट मिलेगा आप लोगों को, और कमिटमेंट मिलेगा मीन्स कि रीयूनियन होगा, आपका रीयूनियन का साइन है ये. कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले है बट अभी आपको पेशेंस रखना है, स्पेस देना अपने पार्टनर को, और तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि वो ग्रोथ ना कर ले अपनी, आपको एक अच्छा सा लाइफ देने के लिए जो उन्होंने कमिट किया अपने आप को वो पूरा ना कर ले, और इस प्यार की तरफ को तभी आगे बढ़ेंगे और उनको क्लैरिटी मिलेगी आपके इस कनेक्शन के लिए, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी उनको. ठीक है, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एक दो कार्ड में यहाँ पर देखती हूँ. एक्शन उनका बहुत अच्छा है, सोच रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं, उनके लाइफ में भी अबंडेंस आ रही है गाइस, और ये अबंडेंस जरूर आ रही है, और तभी वो थोड़ा सा डिले हो रहा होगा आपके लिए कमिटमेंट देने के लिए, बट क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं. आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, एंड दो कार्ड आ रहे हैं. आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, आई थिंक यू आर लाइंग. कुछ लोग के लिए है ये कि मैंने देखा ना कि एनजाइटी है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं अभी रिसेंट पास में जिनका ऐसा सेपरेशन हुआ है कि आप झूठ बोल रहे हो, कुछ आपके पार्टनर को लग रहा है ऐसा, बट ठीक हो जाएगा, ये तो बहाने होते हैं एक तरह से इस जर्नी में आने के. आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं बट काफी रिग्रेट वो फील कर रहे हैं. आई विश यू वुड वॉन्ट मी, तो ये आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स हैं. आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो कुछ ना कुछ के पार्टनर आपके बारे में बात करते नजर आ रहे हैं, उसने ऐसे किया वैसे किया, अरे वो अच्छी थी यार बट ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ ना कुछ मेरे को एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है. तो आप अपना इनर वर्क कीजिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, इसको सोचकर इसको देखकर आपको बस ये करना है कि आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको खुश रहना है, स्माइल लानी है अपने फेस पे कि कुछ ना कुछ तो अच्छी एनर्जी आ रही है हमारे लाइफ में पार्टनर की तरफ से, हमारी लाइफ अच्छी हो रही है ना. और इसी गाइडेंस के साथ अभी के लिए मैं समअप करती हूँ रीडिंग को. अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, और बिल्कुल अपना बिल्कुल ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय, जय माता दी.